एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, खुद हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ नॉनी जूस। पीना चाहेंगे तो पी सकते हैं। हेल्थी प्रोडक्ट है अपोलो टचिंग लाइफ नॉनी जूस। 500 ml की पूरी बोतल आती है और नॉनी एक फल आता है जो हमारे देश में नहीं होता है, अफ्रीकन कंट्री में होता है और वहाँ से लोग तोड़ के निचोड़ के इसका एक जूस बनाते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नॉनी फ्रूट इज़ अ नेचर गिफ्ट टू मेकिंग फॉर द एनहांसमेंट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। सो हैव अ नॉनी जूस, कॉन्ट्रीब्यूट एवरीबॉडी एंड वी वेक अप टू हेल्दी मॉर्निंग। सुबह आपको मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया हो, सुबह आप जैसे ही उठे तो इस जूस को आप पी लीजिए तो आप पूरा दिन जो है आपका वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और इसमें यहाँ पे क्या क्या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी है। न्यूट्रिशनल फैट इज अपर 100 ml, एनर्जी इज 78.0 kcal, कार्बोहाइड्रेट इज 90.28 ग्राम, ऑफ विच शुगर इज 2.33 ग्राम, प्रोटेशन फैट एंड डाइट्री फाइबर, सोडियम इज 46.0 MB एंड कैल्शियम इज 17.74 mg, विटामिन सी इज 20.83 mg एंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। दिस प्रोडक्ट्स बीइंग अ नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू मे एवरी रिकमेंडेशन यूजेस एड 15 ml नॉनी जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कंज्यूम ऑन एम्प्टी स्टोमच एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग और एज अ सजेस्ट बाय अ डाइटिशियन। लीव अ गैप ऑफ 13 मिनट बिफोर यू नेक्स्ट मील। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको 15 ml का एक नॉनी जूस का ग्लास, वाटर का जो ग्लास है उसके अंदर आप 15 ml का इसमें से आपको नॉनी जूस लेना है और इसको एम्प्टी स्टोमेज यानी खाली पेट मॉर्निंग और इवनिंग यानी सुबह और शाम आपको लेना है ये। और अगर अदरवाइज आपका जो भी डाइटिशियन प्रोग्राम है उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद 30 मिनट के बाद आपको खाना खाना है तभी ये अच्छा इफेक्ट करेगा। इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या आता है तो नॉटी फ्रूट पल्प, 14% वाटर, एसिडिटी रेगुलेशन INS 330, स्टेबिलाइजर INS 5415 एंड नेचुरल स्वीटनर। तो नॉनी इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल फ्रूट यूज इन अ एशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम। जो नॉनी जो जूस है वो सबसे पुराना ट्रेडिशनल फ्रूट है और ये एंशियंट इंडियन मेडिकल जो सिस्टम था ओल्ड हमारा है उसमें ये लोग यूज करते थे। इट इज द फ्रूट विच हैव न्यूमरस मेडिक्लिन एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज ड्यू टू नेचुरल इंग्रेडियंट। कलर, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ नॉनी जूस में वेरी सेंटिमेंटल इज अ ड्यू टू सेल्फ प्रेफ। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ और इसकी प्राइस जो है वो 515 rupees है, यानी 550 rupees का आपको ये पूरा नॉनी जूस जो है वो मिलेगा और 500 ml मिलेगा, यानी 1 ml जो है आपको तकरीबन 52 paisa में पड़ने वाला है, 50 paise से ऊपर एक अगर आप इसमें से 1 ml गिनते हैं। तो इसको मैं अब खोल देता हूँ और मैं रेगुलर इसको लेता बहुत टाइम से ले रहा हूँ इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो अभी मैंने ये पैक मंगाया है नया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बता दूँ कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है मार्केट में और आप इसको ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ और अब इसको ओपन करते हैं, खोलेंगे। ये है इसका बॉक्स जिसमें अलग अलग एम एल दिए हैं, 30, 25, 20, 15, 10।
हाँ जी ये है इसका प्रोडक्ट, ये इसको बॉक्स को मैं स्टाइल में रख देता हूँ। ऐसा कुछ प्रोडक्ट है नॉनी जूस का पूरा, और बाहर जो बॉक्स में लिखा था वही सब कुछ अंदर लिखा है। इसको खोलते हैं, ये मैंने खोल दिया है। कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक डब्बा दिया है, इसमें यहाँ पे अलग अलग ML लिखे हुए हैं, उस ML को आपको उतना नॉनी जूस जो है वो लेना है। तो ये मैंने पानी का ग्लास जो है वो ले लिया है और अभी आपके सामने मैं ये पीऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पानी का एक ग्लास भर दिया है, अब मैं इसमें 15 ml जो है वो ऐड कर देता हूँ नॉनी जूस। मैंने 15 ml एग्जैक्ट लिया है और इसको मैं इस ग्लास में ऐड कर देता हूँ। इसलिए एम्प्टी स्टोमेक में लेना चाहिए, खाली पेट आपको इसको लेना चाहिए। मैंने खाली पेट ही है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो मेरा पेट जो है वो खाली है। तो इस तरह का कुछ आता है नॉनी जूस, आप देख लीजिए ऐसा है कुछ इस तरह का है। इसमें देख लीजिए इस तरह का आएगा, डाल दीजिए, पी जाता हूँ। मैं हर रोज पीता हूँ, बहुत ही टेस्ट अच्छा है। और तो ये था आपके लिए नॉनी जूस, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, कई तरह के रोग जो है वो इससे नहीं होते हैं। तो आप भी यूज़ कीजिए, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ओह तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरा अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हो सके तो इस नॉनी जूस को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आपको आपके लिए मैं यूं ही बनाता रहूं और आपको नोटिस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।